दोस्तों कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। जी हां, ऑफिसर का वीडियो सामने आया है जिसमें वो बता रही हैं कि उसने कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा। एक्ट्रेस से नई नई नेता बनी कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारा गया और ये घटना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर घटी गई है। CISF की महिला थप्पड़ मारने के बाद क्या बोली वो आपको दिखाते हैं। कंगना ने हाल ही में हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। पहली बार सांसद बनी कंगना शपथ ग्रहण समारोह के लिए दिल्ली आ रही थी, लेकिन एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के समय एक CISF ऑफिसर ने उनके गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आरोपी महिला को हिरासत में लिया गया है और उसे पूछताछ की जा रही है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लगे CCTV की भी जांच की जा रही है। बता दें CISF की महिला जवान ने कंगना को थप्पड़ मारने के बाद कहा कि कंगना रनौत ने बयान दिया था कि 100-100 रुपए में लोग किसान आंदोलन में बैठे हैं, उसमें मेरी माँ आंदोलन में बैठी थी, ये कहाँ वहाँ बैठी थी, जिसके लिए इन्होंने कंगना रनौत के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा दिया। जिसके बाद कंगना रनौत ने इस मामले में शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद अब एक्शन लेते हुए महिला कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। कंगना ने इस मामले में शिकायत कर महिला को नौकरी से हटाने, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कंगना ने इस मामले पर एक वीडियो भी जारी की है और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।